अमेरिका जो कल तक भारत के कंधे पर बैठकर नदी पार करने की सोच रहा था, अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन ने उन संबंधों में ठहराव ला दिया है। खासतौर से चीन, जो अब तक अमेरिका की गुस्ताखी इसलिए नजरअंदाज कर रहा था कि दक्षिण एशिया में भारत उसका अभूतपूर्व सहयोगी है, अब उसने तेजी से बदले राजनीतिक समीकरण का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। यह भारत की ही बदौलत था कि अमेरिका की दक्षिण चीन सागर में मनमर्जी पर चीन लगाम लगाने में नाकाम रहा। हालांकि भारत के लिए भी दक्षिण चीन सागर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के लिए, परंतु ट्रंप के बयान के बाद चीन को जरूर थोड़ी राहत मिली है। कल जब अमेरिकी नौसेना का एक युद्धपोत ताइवान जल डबरूबद्ध से होकर गुजरा तो अमेरिका के इसी कदम से चीन बुरी तरह भड़क गया। यह युद्धपोत ताइवान के पास से ऐसे समय गुजरा है जब बीजिंग और वाशिंगटन के संबंधों में तनाव है। चीन ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी जारी कर दी है कि भविष्य में यदि अमेरिका द्वारा ऐसी हरकत हुई तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपनी सीमा की पूरी ताकत से सुरक्षा करेगी। गौरतलब है कि अमेरिकी युद्धपोत पहले भी इस क्षेत्र से गुजरते रहे हैं, मगर चीन ने कभी इतनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। खास बात यह है कि चीन पूरे दक्षिण सागर को चीन का हिस्सा मानता है। हालांकि फिलीपींस और वियतनाम जैसे कई देश भी दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार जताते हैं। खास बात यह है कि अमेरिकी युद्धपोत ताइवान के पास से गुजरा है, पर चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। पर बावजूद इसके अमेरिका ताइवान को सैन्य साजो सामान मुहैया कराता है। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को $2 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दी है। इस पर भी चीन की ओर से कड़ा एतराज जताया गया है। बड़ी बात यह है कि चीन ने कल अपने बयान में अमेरिका को आगाह किया है कि अगर ताइवान की आजादी को लेकर कोई भी कदम उठाया जाता है तो वह अमेरिका के साथ युद्ध के लिए तैयार है। यह बयान मामूली नहीं होकर बेहद गंभीर घटना है, क्योंकि युद्ध की बात कोई भी देश अंतिम विकल्प के रूप में ही करता है। पर यह बातें चीन ने उस वक्त कही है जब भारत और अमेरिकी संबंधों में एकदम से बाधा आई है। संभवतः अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के एक एक महत्व को समझने वाले अमेरिकी विशेषज्ञों को इसका एहसास चीन की धमकी के बाद हो चुका है। शायद ट्रंप तक भी उनकी मूर्खतापूर्ण हरकत का परिणाम की खबर पहुंची होगी। अमेरिका ने चीन को धमकी को नजरअंदाज करते हुए कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए उनका युद्धपोत ताइवान स्टेट से गुजरा है। खास बात यह है कि नौसेना के प्रवक्ता कले डांस ने कहा है कि यदि इस क्षेत्र में उनके किसी भी युद्धपोत पर किसी भी प्रकार की चीनी कार्रवाई हुई तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी अमेरिका और चीन के बीच में अब अच्छे तरीके से ठंड रही है। ट्रंप ने जिस प्रकार अपनी जिह्वा को मरोड़ दी है, अब उसका खामियाजा भी उसे चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत अब सतर्क हो गया है। वैसे भी भारत शुरू से ही गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता रहा है। भारत ने ट्रेड वार के मामले में भी अमेरिका को सख्त संदेश दिया था, जिसका मतलब दोस्ती से पहले राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और शायद इसीलिए भारत अब अमेरिकी प्रस्तावों और उसके साथ किए गए समझौतों का फिर से विश्लेषण करने की सोच रहा है। अमेरिका को चीन से जिस प्रकार धमकी मिली हुई है, वह एक असाधारण घटना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार इसके पीछे भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई खटास को जोड़कर देख रहे हैं। इसमें चीन के उस संदेश का सार भी छिपा है, जिसमें भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने कहा था कि भारत और चीन को मिलकर अमेरिका की व्यापारिक दादागिरी का मुकाबला करना चाहिए। मतलब चीन को भी एहसास है दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, और भारत की इसी उपस्थिति के कारण अमेरिका कूद रहा है। संभवतः चीन इस कड़ी को दूर करने की फिराक में है। मगर बड़ी बात यह है कि भारत को इतना खतरा अमेरिका से नहीं है जितना चीन से है। अमेरिका फिर भी कई मुद्दों पर भारत के साथ खड़ा होता रहा है, लेकिन चीन नागफनी के पौधे के समान है। इसलिए भारत को बेहद सतर्क होकर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। खासतौर पर इसी हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मची हलचल में भारतीय कूटनीति का एक बार फिर से कमाल देखने को मिल सकता है। वैसे भी हिंदुस्तानियों ने पिछले 5 साल में भारत कूटनीति की परीक्षा लेना छोड़ दिया है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को पता है कि भारत इस मामले में सर्वश्रेष्ठ है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।